सामान तो हमने रख दिया यहाँ पर, बस तैयार है और बोर्डिंग के लिए। चलिए शुरू करते हैं। सुबह सुबह का टाइम है, कोई भी नहीं उठा हुआ, सब सो रहे हैं और हम चल रहे हैं अपनी ट्रिप पे। ये मस्जिद हमारे गली की, आज लग रहा है कोहरा पड़ रहा है यार। हाँ आज कोहरा है, तो बाहर का कुछ ऐसा व्यू है, देख रहे हो आज कोहरा पड़ रहा है। या आज मैं जल्दी उठ गया इसीलिए मुझे लग रहा है कोहरा है आज। फिलहाल तो मैं 11 बजे से पहले नहीं उठता, लेकिन कुछ ऐसा व्यू है। चलो चलते हैं, यहाँ से हम चल रहे हैं कश्मीरी गेट। कश्मीरी गेट से हमने बस कर रखी है, बाकी डिटेल मैं आपको आगे दे दूंगा कि आप और कैसे पहुँच सकते हो जल्दी। मॉम सुबह सुबह उठ जाती है मेरी हर बार की तरह, और उन्होंने यानी ब्रेकफास्ट जो था वो रेडी कर दिया, और फिर उसके बाद मैं यानी तैयार व्यार होकर फिलहाल निकल तो गया हूँ। पैकिंग यानी सब कर ली थी मैंने, कल रात में कर ली थी। अभी यहाँ से रिक्शा पकड़ेंगे, फिलहाल मेरे जो 3 नवरत्न है ना अभी वो आने वाले हैं। हरामखोर अभी तक आए नहीं, पता नहीं कहाँ रह गए। फिलहाल वो आते हैं फिर हम निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस आ चुके हैं कश्मीरी गेट, मज़ा आएगा इस जर्नी में। अब मैं ये जो है ना बस अड्डा, फिलहाल एक्सीलेटर लगा हुआ है और नीचे चल रहा है। ये है कश्मीरी गेट का बस स्टॉप, हम चल रहे हैं। हमें बताया गया कि 20 या 21 नंबर पे चलना है। तो गाइस बस भी लगी हुई है हमारी, ये सामने वाली जो बस है ना यही है, इसमें चलते हैं। गाइस देखो ये सामान तो हमने रख दिया यहाँ पर, बस तैयार है और बोर्डिंग के लिए। और वेल ऐसा कुछ लुक है, बाकी क्या खर्चा आएगा, कैसे कहाँ से क्या करना है, मतलब आपके सारे सवालों का जवाब ना इस वीडियो में आपको मिल जाएगा पक्का 100%। तो वीडियो में आखिर तक बने रहना, स्किप मत करना यार प्लीज़। अंदर से व्यू दिखाता हूँ मैं आपको। लाल तो भी खा ली है पूरी बस, और यानी मतलब आया नहीं कोई। अपना शिमला का टूर रहेगा ना 3 दिन का रहेगा, और मैं कोशिश करूंगा कि इस टूर को जल्द से जल्द दिखा पाऊं, और इसके 3 से 4 पार्ट आने वाले, तो आप सारे के सारे पार्ट देखना ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज हो। सो गाइस ये है रेस्टोरेंट मिर्ची, अच्छा है मतलब ठीक ठाक है, अच्छा साफ सुथरा, काफी क्लीन है, एंड यहाँ के फ्लोर भी काफ़ी अच्छे लगे मेरे को। मैं यार बहुत सारी चीज़ें नोटिस करता हूँ कि यार आई नहीं हाइजीन का नहीं बिल्कुल सही होना चाहिए, बिल्कुल पंजाबी लुक आ रहा है। देखिए सरदार जी आ रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है, देखो ये देखो। अच्छा है काफ़ी, ठीक ठाक है। फिलहाल चल रहे हैं रेस्टोरेंट में, करते हैं लंच एंड फिर चलेंगे बाहर, बस में बैठते हैं, फिर आगे की जर्नी जो होती है मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो गाइस सोलन आ चुके हैं और बस यहाँ रुकी हुई है हमारी, पीछे आप देख ही रहे हो डीज़ल इसमें भरा जा रहा है। फिलहाल डीज़ल भर जाता है फिर यहाँ से निकल रहे हैं। मैं सो गया था रास्ते में, पता ही नहीं चला, आप थोड़ा ऊपर आया तो देखा है यहाँ पर, काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठंड का एहसास होने लग गया है। बाकी ट्रिप काफ़ी अच्छी रही है अभी तक, तो काफ़ी अच्छी रही, आगे भी अच्छी रहेगी, तो बने रहिए और चलते रहिए। शायद हमारा जो अगला स्टेप है ना वो सिर्फ शिमला, चलिए चलते लेते हैं कि आप शिमला कब आएँ और आप कैसे आ सकते हैं शिमला। शिमला आने के लिए आपके पास 3 तरीके के रास्ते हैं, आप बस से आ सकते हैं, ट्रेन से आ सकते हैं और एरोप्लेन के द्वारा भी आ सकते हैं। मैं भी फिलहाल बस से जा रहा हूँ, और बस से जो मैंने टिकट बुक किया था वॉल्वो बस का वो था 971 रुपये पर पर्सन, और अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो ट्रेन से आप दिल्ली टू कालका आएंगे, कालका से आप टॉय ट्रेन के द्वारा आएंगे। हाँ एक चीज़ और याद रखना, अगर आप टॉय ट्रेन की टिकट नहीं बुक कर रखी है ना तो प्लीज़ उसे पहले ही बुक कर लेना, क्योंकि उसमें सीट नहीं मिलती है। टॉय ट्रेन में सबसे यानी जो लोएस्ट प्राइस है ना वो है 65 रुपये का, बाकी उसके बाद 700, 800 बहुत सारे, इसलिए पहले ही बुक कर लेना टिकट। बाकी बाहर का आप जो व्यू देख रहे हो ना बहुत ज़्यादा औसम है। फिलहाल हाथ पैरों में थोड़ी ठंड भी लगने लगी, मतलब दिल्ली से थोड़ी ज़्यादा ठंड हो गई है, लेकिन अच्छा लग रहा है, एक्साइटमेंट भी बहुत है क्योंकि हम शिमला पहुँचने वाले हैं, कुछ देर में शिमला पहुँच जाएंगे, तो मैं आपको और अच्छी तरीके से दिखा पाऊँगा। बस हमें उतारेगी नए बस अड्डे पर, उसके बाद हम वहाँ से लोकल बस लेंगे, वो 10 रुपये लेते हैं, वो हमें छोड़ेंगे ओल्ड बस स्टैंड। वहाँ से ओल्ड बस स्टैंड पर उतरने के बाद 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है माल रोड के लिए, आप ऊपर चढ़ेंगे माल रोड आ जाएगा, वहाँ आप होटल बुक कर सकते हो या आपने पहले से कर दिया तो और भी अच्छी बात है।
अब शिमला में हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं? शिमला में हम जा सकते हैं माल रोड, और वहाँ पे एक चर्च है, और वहाँ पे एक जाखो टेम्पल भी है। जाखो टेम्पल पे अगर आप केबल कार के द्वारा जाओगे तो 550 रुपये पर पर्सन है, और अगर आप टैक्सी बुक कर लेते हो 500 रुपये में वो आपके, यानी पूरी टैक्सी बुक करके आप ऊपर तक जा सकते हो। हम बस स्टॉप उतर गए थे पुराने वाले पे, अब हमने वहाँ से लोकल बस ले ली है। ये बस हमें उतारेगी ओल्ड बस स्टैंड पर, उसके बाद हम ऊपर जाएंगे और अपना होटल बुक करेंगे। और आप बाहर का व्यू देख रहे हो कितना ऑसम हो रहा है, बहुत ज़्यादा ऑसम हो रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। अभी से कुछ देर में हम वहाँ पहुँच भी जाएंगे। 8:30 बज चुके हैं, हमें फाइनली होटल मिल गया। 3-4 होटल में हमने ट्राई किया और जो हमें सूटेबल लगा ना हमने वो होटल ले लिया फिलहाल। और आप देख रहे हो ना ये थिएटर यार, देखा नहीं था हमने, ऊपर आने के बाद देखा थिएटर भी है। चलो अच्छा है, फिलहाल रात हो रही है तो कुछ इस टाइम अभी दिख नहीं रहा है, सुबह होगी तो मैं आपको दिखाऊंगा कि आप बाहर का व्यू कैसा है। गाइस ये था, और फिलहाल चलिए मैं जा रहा हूँ सोने के लिए जा रहा हूँ, फिर कल सुबह जल्दी उठना भी है। और आप इसका दूसरा पार्ट ज़रूर देखना, तब तक के लिए बाय।